हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, उसके बाद देखेंगे कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, फिर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, टेंशन एट एनी पॉइंट। फाइन, इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कंडीशनली, जो मैं आपको बताता जाऊँगा बीच बीच में कि यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है या कैसे भी आता है। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई है आर, एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई है आर, और ये एक बॉडी है जिसका मास है एम। फाइन, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दिया इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन यू, ओके। और कुछ समय के बाद ये इस पॉइंट पर आ गया, लेट अस से पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पर आ गया। इसको मान लीजिए ये हमारा लोएस्ट पॉइंट एल है, एल से कहाँ पर आ गया, पी पर आ गया। फाइन, पी पर इसका वेलोसिटी कितना है, लेट अस से इट इज वी। पी पर वेलोसिटी कितना है, लेट अस से इट इज वी, ओके। ये समझेंगे हम लोग इस लेवल पर लेट अस से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इस लेवल पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। और यहां से हम कितनी हाइट पर गए हैं, एच हाइट पर गए हैं, ओके, ठीक है। तो हमारा एम क्या है निकालना, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, लेट अस से इट इज पी। देखिए, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखेंगे, एनर्जी एट एल इज इक्वल टू एनर्जी एट पी। लिखिए, टोटल एनर्जी एट एल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पी। यहां पर देखिए, एल पर कौन कौन सा एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और हमने माना है इस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। देयरफॉर हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू, पी पर कौन कौन सा एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि इसका वेलोसिटी है, और ये सर्टेन हाइट ऊपर है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी है। हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस एम जी एच, जरा सॉल्व करेंगे इसको, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, एम को कॉमन ले लिए, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम कॉमन आ गया तो वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एच, एम से एम कैंसिल, यहाँ पर यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एल सी एम ले लेते हैं, वी स्क्वायर प्लस टू जी एच अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ओके। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, एनर्जी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। इसको इक्वेशन वन कर लेते हैं। नाउ अब हमारा एम है टू कैलकुलेट टेंशन एट पी, ओके। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम जरा बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन इधर, एम जी के कॉम्पोनेंट्स इसको मान लेते हैं थीटा, ये भी थीटा, इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एंड दिस साइड इज एम जी साइन थीटा। फाइन, सिंस ये सर्कुलर मोशन में है, देयरफॉर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा विच इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जरा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, T इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके। अब ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये अगर h हाइट पर है तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ, r माइनस एच, तो cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस एच अपॉन आर। सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
टी इज इक्वल टू एम जी इंटू आर माइनस एच अपॉन आर प्लस एम बाई आर वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। एम बाई आर कॉमन ले लिए, क्या आएगा आर जी माइनस जी एच प्लस यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू एम बाई आर इन यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस थ्री जी एच। ये हमारा निकल गया टेंशन एट एनी पॉइंट। ये क्या निकल गया टेंशन एट एनी पॉइंट। फाइन, नाउ यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज सिक्स टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी। फाइन, जरा देखते हैं इसको। तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये हमारा टेंशन एट एनी पॉइंट निकला है, देयरफॉर टेंशन एट पी, टेंशन एट पी निकल गया। नाउ हम लोग निकालना चाहते हैं टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एल, क्या निकल जाएगा एम बाई आर होल। ओके, हमने देखा टेंशन एट एनी पॉइंट गिवेन है हमारे पास, इक्वेशन में आ चुका है इक्वेशन टू। हम लोग निकालना चाहते हैं टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर ये हाइट एच जो है वो क्या हो जाएगा जीरो। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आंसर आएगा एम बाई आर होल इंटू यू स्क्वायर प्लस आर जी। दिस इज इक्वेशन थ्री। नाउ टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट, ये मान लीजिए हाइएस्ट पॉइंट एच है। ओके, तो टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इस केस में ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी डायमीटर के बराबर, दैट इज टू आर। ये हो जाएगा एम बाई आर होल यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस थ्री जी इंटू टू आर। सॉल्व करेंगे एम बाई आर यू स्क्वायर माइनस सिक्स आर जी प्लस आर जी फाइव आर जी। इक्वेशन फोर। नाउ हमारे क्या निकालना है डिफरेंस ऑफ टेंशन। ठीक है, देखिए तो देयरफॉर टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एम बाई आर, कॉमन ले लिए, लोएस्ट पॉइंट पर कितना है यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस यू स्क्वायर प्लस फाइव आर जी। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज एम बाई आर इंटू सिक्स आर जी। आर से आर कैंसिल हो गया, दिस इज सिक्स टाइम्स एम जी। आपको एग्जाम में यहाँ तक आ सकता है टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज सिक्स टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी। फाइन, दिस इज इक्वेशन फाइव। ओके, आप समझ रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है, फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग सीख चुके हैं इसलिए आप आराम से बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बता रहा हूँ कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप एंड कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। ओके।